फ्रेंड्स, तो आज हम देखेंगे त्रिकोणमितीय सर्वसमिकाएं। ये तो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इस सर्वसमिकाओं का उपयोग करके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन सभी दोस्तों को ये पता नहीं होता कि इसको यूज कहाँ करना है, कब और कौन सा सूत्र लगाना है, ये समझ में ही नहीं आता। देखो, आपको इस सर्वसमिका को याद करने के दो तरीके हैं, वो क्या सर आप बताइए। एक तरीका, या तो आप इन तीनों को याद कर दीजिए, एक तरीका ये आपका हो गया, ठीक, या तो तीनों को याद कर दीजिए, या फिर आप सिर्फ और सिर्फ इसको याद कीजिए और इसके सहारे इन दोनों को अपने आप याद हो जाएगा। किसके द्वारा? इसके द्वारा। सिर्फ आप इसको देखिए, इसको याद कीजिए और मैं इसके द्वारा इन सूत्रों को लाकर आप लोगों को दिखाऊंगा। आप बस वीडियो को अंत तक देखिए, ठीक। इन सूत्रों के द्वारा आपको ये सूत्र लाकर दिखाऊंगा। देखो, इसमें तो आप साइन का भी मान याद कर सकते हो, कोस का भी। इसी प्रकार से आपको 9 फॉर्मूले पढ़ाऊंगा, ठीक। आप बस वीडियो को अंत तक देखना बिना स्किप के। अब देखना, तो मैं इन दोनों को मिटा देता हूं। हमारे पास क्या पहली सर्वसमिका क्या है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसको मैंने क्या मान लिया? समीकरण नंबर 1, ठीक। इसको मैंने मान लिया समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 1, ठीक ठीक है सर, मान लिया आपने। अब देखो, अब करना क्या है इसमें? समीकरण 1 में पहला स्टेप क्या करना है? समीकरण 1 में ये है ना, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा से भाग देने पर, भाग देने पर कीमत दोनों पक्ष में, इस पक्ष में भी उस पक्ष में भी, दोनों पक्षों में, दोनों पक्षों में, ये हो गया आपका समीकरण 1, ठीक ठीक है। क्या हमें करना है इस वाले जो समीकरण में, इसमें बस कॉस स्क्वायर थीटा से आप भाग दे दो, पहला करना है काम, ठीक। जब हम कॉस स्क्वायर थीटा से भाग देंगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक। अब इसको अलग अलग करके भी मैं लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, फिर ये क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा को जब हम ऊपर लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर थीटा, ठीक। अब देखो, साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? सर हमें पता है क्या होता है? टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा प्लस, ये दोनों क्या हो जाएंगे? कट हो जाएंगे, क्या हो जाएगा? ये 1 इज इक्वल टू क्या होता है? फिर सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ये आपका आ गया, एक प्रूफ हो गया, ओके ठीक है। अब ये हो गया, इसमें से अगर मैं टेन स्क्वायर का मान निकालना चाहूँ, ये हो गया क्या आपका 2 फार्मूला। तीसरा फार्मूला, अगर मैं टेन का मान निकालना चाहूँ तो 1 को इधर पक्षांतर कर दूंगा, क्या हो जाएगा? टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। टेन का मान निकालना है अपने को, टेन थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट में क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये हो गया आपका क्या? तीसरा फार्मूला। चौथा फार्मूला क्या है? अगर हमको अगर मैं टेन स्क्वायर को इधर लेके जाऊं तब क्या हो जाएगा? देखो क्या है, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या है? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा है, यही है ना। अब मैं टेन स्क्वायर को इधर लाता हूं, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1। ये हो गया क्या आपका? चौथा, ठीक। ऐसे ही आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे किसमें? एग्जाम में, ओके ठीक है। अब मैं मिटाता हूँ, ये आप उतार लीजिए, ठीक। चार कंप्लीट हो गया अपना। अब मैं इसके द्वारा भी इसको देखो ऐसे कर सकता हूँ। अगर मुझे साइन स्क्वायर थीटा का मान निकालना है तो क्या करूंगा?
साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये आपका एक हो गया। अगर साइन थीटा का मान निकालना चाहता हूँ क्या हो जाएगा, अंडर रूट वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब या फिर मैं साइन को पक्षांतर कर दूँ, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब हमें अगर कॉस थीटा का मान निकालना हो तो इसे अंडर रूट में करके वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ये आपका एक और चार हुआ था ना, ये हो गया पाँच, ये हो गया छः। ठीक, ये हमने कैसे लाया, कॉस स्क्वायर थीटा को पक्षांतर करने पर, कॉस स्क्वायर थीटा को पक्षांतर करने पर, पक्षांतर करने पर। ठीक, ये कैसे आया, इसमें देखो हमने क्या किया, समीकरण एक में, समीकरण एक से साइन स्क्वायर थीटा को हमने क्या कर दिया, पक्षांतर कर दिया, साइन स्क्वायर थीटा को पक्षांतर करने पर, पक्षांतर करने पर। ओके, ये हो गया आपका। ठीक, ये क्या आपका समीकरण नंबर एक। ठीक, अब देखो हमने पहले किससे भाग दिया था, कॉस स्क्वायर से, अब हम साइन स्क्वायर से भाग देंगे। आपका छह सूत्र तैयार हो गया, अब हम किससे भाग देंगे, साइन स्क्वायर थीटा से, दोनों पक्षों में, सॉरी समीकरण एक में, समीकरण एक में दोनों पक्षों में साइन स्क्वायर थीटा से भाग देने पर, साइन स्क्वायर थीटा से भाग देने पर। अब जब हम साइन स्क्वायर थीटा से भाग देंगे तब क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन, भाग दीजिए किससे, साइन स्क्वायर थीटा, वन अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, अब साइन स्क्वायर थीटा इसको अलग अलग लिख दो, साइन स्क्वायर थीटा अपन क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपन क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, जब हम साइन स्क्वायर थीटा को ऊपर लेके जाएंगे तो क्या बन जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा। ओके, अब देखो साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा, कट हो गया, बचा क्या, वन प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपन साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ये हो गया आपका सेवन। अब इधर से अगर हमको कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालना तो ये क्या हो जाएगा, ये इधर पक्षांतर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन। मतलब हम अगर मैं कॉट थीटा निकाला हूँ तो हम क्या करेंगे, इसे अंडर रूट में कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन। अगर आपको कहीं ऐसा दिखा कर कहीं मिल जाए कि कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन अंडर रूट में, तो सीधा सीधा इसका मान किसके बराबर हो जाएगा, कॉट थीटा के। ठीक, अब आठवां, अगर अगर मैं इसको, सॉरी आठवां तो ये हो गया आपका फार्मूला, ये हो गया नौवां। अगर मैं इसे सिर्फ वन वन को सिर्फ अकेले में रखूँ, अगर कॉट स्क्वायर को उधर पक्षांतर कर दूँ क्या हो जाएगा, वन इज इक्वल टू, पहले आपको फार्मूला लिख देता हूँ पूरा, क्या है, कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, है ना। अब मैं इसको इधर लाता हूँ तो क्या आ जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, वन। ये आपका क्या हो गया, नाइन फार्मूला आप सबके सामने है। अब मैं देखो आप लोगों को अब मैं रिवाइज करवाऊंगा, रुकिएगा, आप लोग रिवाइज करा के आप लोग पूरा याद करवा दूंगा, कैसे, एक ही जब सामने रहेगा तो याद करने में आसानी होगी। अब किस प्रकार, देखो मैं नौ का नौ सूत्र आपके सामने अभी लिखूंगा, पहला हमने क्या देखा, पहला हमने देखा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, वन। दूसरा, अगर हमें साइन थीटा का मान निकालना हो तो अंडर रूट में क्या हो जाएगा, वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तीसरा, अगर हमें कॉस थीटा का मान निकालना हो तो अंडर रूट वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा। समझ में आ रहा है ना, कि ये भी समझाना पड़ेगा, साइन थीटा का मान कैसे आया, कॉस थीटा का मान ले गया उधर, कॉस थीटा कैसे माना, साइन थीटा को उधर ले गया। चौथा क्या है, अब ये भी मैंने बताया, वन प्लस
टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा। पांचवा क्या है, पांचवा है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा वन। छठा क्या है, छठा है टेन थीटा किसके बराबर होगा, अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन के बराबर। ठीक, सेवन क्या है वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा। आठवां क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा वन। नौवां और आखिरी क्या होगा, कॉट थीटा का अगर हमें मान निकालना हो, ये हो जाएगा आपका कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन। ये हो गया आपको नौ गुना क्या होगा फार्मूला, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट त्रिकोणमिति सर्वेक्षण का है आपके एग्जाम के लिए। ओके, तो वीडियो के अंत करते हैं और थैंक यू।